अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सारा फारूक और आज आपको बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट पिंक मेकअप करके दिखाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपने फेस के ऊपर जो है वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाऊंगी, क्योंकि मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने से हमारा फेस जो है बहुत नीट और क्लियर हो जाता है। इससे हमारी स्किन जो है ना वो फुल रेडी हो जाती है बेस बनाने के लिए। मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा ली मैंने। अच्छा, तो वही गर्मियाँ हैं उसके अंदर भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई। गर्मियों या सर्दियों मॉइस्चराइजिंग हमें अपने फेस के ऊपर करनी होती है, क्योंकि मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने से हमारी स्किन जो है ना बहुत नीट हो जाती है और जो बेस बनाते हैं ना बहुत अच्छा और यानी फ्लफी सा हमारा बेस बनता है। उसके बाद मैं ये जो है प्राइमर लगा रही हूँ। फिर मैं अपनी स्किन पर ये ऑरेंज का कलर करेक्टर लगाऊंगी, जहाँ जहाँ हमारे स्किन पे यानी दाग धब्बे जो जहाँ होते हैं हमारे, वहाँ हमें लगाना है अपनी। कलर करेक्टर करने के बाद मैं इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करूँगी। और जब तक हमारा बेस अच्छा नहीं बनेगा तो हमारा मेकअप वीडियो वो सही नहीं होगा, क्योंकि सारी बात होती है बेस बनाने पे। अभी मैं ये ग्लैमर का फाउंडेशन लगा रही हूँ और इसका शेड जो है 04 है, क्योंकि ये मेरे स्किन को सूट करता है। और ये मिली का कॉम्पैक्ट पाउडर है, इसका शेड है 02। और कॉम्पैक्ट पाउडर से हमें अपना बेस जो अच्छी तरह सेट करना है। उसके बाद मैं डार्क ब्राउन कलर लेके अपनी आईब्रो सेट करूँगी, ये डार्क ब्राउन कलर लेके। फ्लफी ब्रश लेके अपनी आईब्रो सेट कर ली हूँ। फिर मैं अपनी ब्रो ब्राउन को हाईलाइट करूँगी, ग्लैमर का वाइट यानी हाईलाइटर है। फिर इनर कॉर्नर को भी मैं हाईलाइट करूँगी।
ये ग्लैमर की आई शेड पैलेट है, इसमें से फिर मैं पिंक कलर लेके अपनी आईज़ के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। सॉफ्ट पिंक लगाने के बाद फिर यही सॉफ्ट पिंक कलर लेके मैं अपनी लो लाइन पे लगाऊंगी। ये मेटैलिक जो है पिंक शेड है, ये आई गोल पे लगाऊंगी अपने। डार्क ब्राउन कलर लेके मैं अपना आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी। यही डार्क ब्राउन कलर लेके मैं अपनी जो इनर कॉर्नर पे पिंक कलर लगाया था उसके अंदर मर्ज करूंगी। आई शेड कम्प्लीट हो गया, अब मैं जो है ये लाइनर लगा रही हूँ। ये बॉब का मस्कारा है, मैं अपने आई लैशेस पे मस्कारा लगा रही हूँ। काजल पेंसिल से मैं आज पर काजल लगा दूँ। तो गाइस मेरा आईज मेकअप कंप्लीट हो गया, अब मैं जो है फेस कंट्रोलिंग करूँगी। मेरी क्रिस्टीन की फेस कंट्रोलिंग फ्लैट है, पैलेट है ये, और इसका शेड है 02। और जब तक हमारे फेस की कंट्रोलिंग अच्छी नहीं होगी, हमारा मेकअप भी जो है वो खूबसूरत नहीं लगता। तो मेकअप करते हुए इस बात का ज़्यादा ख्याल रखें कि आपकी जो कंट्रोलिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट। फेस कंट्रोलिंग करने का तरीका जो मैं आपको अपनी वीडियो में बना सकती हूँ बता दिया है मैंने, और आपको नहीं आती तो मेरी वीडियो देख के कंट्रोलिंग करने का तरीका सीख सकती हैं। तो ये हो गया मेरा, और मैं ब्लश ऑन लगा रही हूँ।
इसके बाद में ये बॉब का लूज पाउडर है, बॉबी बॉब वालों का लूज पाउडर है, वो अप्लाई कर रही हूँ। पावर ब्रश लेकर मैं अपना लूज पाउडर जो है यूज करूँगी, क्योंकि जितना हमारे फेस के अंदर एब्जॉर्ब होना होगा हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा होगा वो हट जाएगा। मैं ये लिपस्टिक ला रही हूँ, और ये लॉरियल की लिपस्टिक है, उसका शेड है 45। तो गाइस ये मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है, और ये जो है सॉफ्ट पिंक मेकअप किया है मैंने, और ये आप जो है किसी भी ड्रेस के ऊपर अपने कर सकते हैं। फाइनली देखें बहुत ही खूबसूरत प्यारा लग रहा है ये। तो गाइस आपको मेरी मेकअप करने की वीडियो कैसी लगी है, तो मेरे चैनल को बहुत बहुत लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके मेरे को लाजमी बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।